नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कोरोना महामारी का प्रकोप एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान सरकार भी सख्ती बरत रही है। राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। वहीं राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में धारा 144 लगाई गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात को राज्य मंत्री परिषद की बैठक में यह बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में निर्णय किया गया है कि संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 8 जिला मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा के नगरीय क्षेत्रों में बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और अन्य वाणिज्यिक संस्थान शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। वहीं आपको बता दें, इन 8 जिला मुख्यालयों के नगरीय क्षेत्र में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। एक सरकारी बयान के अनुसार बैठक में तय किया गया है कि राज्य में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में पूरे प्रदेश में विवाह समारोह सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 100 ही होगी। वहीं आपको बता दें, राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के भी 5 जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और गुजरात सरकार ने भी रात्रि कर्फ्यू लगाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। हालांकि गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार पर रोक के लिए राज्य में ताजा लॉकडाउन से फिलहाल इनकार कर दिया है। वहीं कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अब 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। इसको लेकर आदेश भी जारी हो चुके हैं। आपको जानकारी देते, राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से शनिवार को 16 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे राज्य में संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 2146 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा संक्रमण के 3007 नए रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 240676 हो गई है। यानी कि अब यह कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कई राज्यों तक पहुंच रही है। कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं आंकड़े बताते हैं कि कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ रहा है। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन संकेत देते हुए पहले ही कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। प्रदेश की एक और बड़ी खबर आपको दे दे, अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शनिवार को भरतपुर के कुख्यात अपराधी लॉरेंस विश्नोई को लेकर के पहुंचे और उसके शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके बाद लॉरेंस के साथ आए उसके सामान को स्क्रैन करना चाहा, लेकिन हाई सिक्योरिटी जेल में स्कैनर मशीन ना होने के चलते उसका सामान केंद्रीय कारागृह ले जाया गया, जहां पर स्कैन किया गया। स्कैनिंग के दौरान एक बैग में बड़ी चालाकी से स्मार्टफोन, डाटा केबल, सिम कार्ड और ईयरफोन छुपा रखे थे। जानकारी मिलते ही मौके पर जेल सुपरिटेंडेंट प्रीति चौधरी भी पहुंची और उन्होंने अपनी निगरानी में लॉरेंस के पूरे सामान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। तो यह थी प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान की हर बड़ी खबर से।